गुरुग्राम में जहां सरकारी स्कूलों से छात्रों की संख्या लगातार घट रही है, तो वहीं शहर में एक ऐसा भी स्कूल है जहां बच्चों के एडमिशन के लिए अभिभावकों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इस सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा बच्चे हैं। प्रदेश भर में लगातार सरकारी स्कूलों का स्तर घटता जा रहा है, लेकिन गुरुग्राम का एकमात्र इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें हर कोई अपने बच्चे के दाखिले के लिए लंबी कतारों में भी जाने को तैयार है, क्योंकि एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां बच्चों की संख्या 1000 से ज़्यादा है और पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है। ऐसे में हर कोई यहां एडमिशन के लिए लंबी लाइनों में भी लगने को तैयार है। अब गुरुग्राम के स्कूल में 1000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने दाखिले के लिए आवेदन किए हैं, जिनका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू 11 अप्रैल को होना है, जबकि पिछले साल इस स्कूल में 1000 के आसपास छात्रों की संख्या थी। वहीं आपको बता दें कि यहां टीचरों की ज्वाइनिंग भी चंडीगढ़ में टेस्ट पास करने के बाद की जाती है, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। स्कूल के बच्चे देश भर में प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के साथ साथ नंबर वन पर रहते हैं। साथ ही पिछले साल एक कार्यक्रम के तहत इस सरकारी स्कूल के 5 बच्चे जापान की विजिट भी कर चुके हैं, और यही कारण है कि हर कोई अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए इस सरकारी स्कूल को प्राथमिकता दे रहा है। बहरहाल, जहां सांस्कृतिक मॉडल स्कूल बच्चों की पहली पसंद है, तो वहीं दूसरे सरकारी स्कूलों को भी एक सीख दे रहा है, ताकि सरकारी स्कूलों से बच्चों की घटती संख्या को एक बार फिर बढ़ाया जा सके। एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है ये स्कूल, तो सारे बच्चे इंग्लिश में नहीं लिख सकते, तो अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड क्लास 3rd और 4th, मान लिया 5th के लिए कोई एंट्रेंस दे रहा है, 5th क्लास में एडमिशन चाहता है, तो 4th के लेवल का उसका पूरा टेस्ट रखते हैं। वो अगर क्वालिफाई कर लेता है तो उसका फिर नेक्स्ट क्लास में एडमिशन हो जाता है। मतलब हमने सिर्फ यही देखना है कि वो इंग्लिश समझ पाए और एक्सप्रेस कर पाए इंग्लिश में। फॉर्म्स नियर अबाउट 800 आ गए, और आज लास्ट डेट है, 11 को टेस्ट है। उम्मीदें तो देखो, ज़्यादा तो आपको पेरेंट्स बता पाएंगे, मतलब हम अपना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मेरी टीम बहुत अच्छी है, हमारी टीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है। यहाँ पे जो स्टाफ है ना, वो स्पेशल इंटरव्यू से अपॉइंट किया जाता है, और ट्रांसफ़र पॉलिसी से भी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्टेड है स्टाफ सारा। तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं जो कि बहुत हार्डवर्किंग हैं, और स्कूल में अचीवमेंट्स इतनी हैं तभी पेरेंट्स का रुझान इधर है। मैरिट्स 10th में मैरिट्स थी 15, 12th में भी नियर अबाउट 18, और 60% मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड इन बोर्ड क्लासेस। पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर में नेशनल लेवल पे 3rd पोजीशन कल्चरल हमारे प्रोग्राम में मिली, नेशनल पे 3rd, और नेशनल लेवल पे टीम गई, उसमें हमारी स्पोर्ट्स में भी गई है, जूडो कराटे में भी गई है टीम, स्टेट लेवल पे तो गोल्ड मेडल है ही है, ताई कमांडो में भी गर्ल्स गई हैं। मतलब यहाँ की टीम ना ऐसा नहीं है कि एकेडमिक है, हर फील्ड में जापान बच्चे गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज प्रोग्राम था, और भी अभी तेलंगाना होके आए हैं, आर्ट का ही था ये भी एक्सचेंज प्रोग्राम, आर्ट एंड कल्चर का। तो एक तो टीम बहुत अच्छे से तैयार रहती है, अब तेलंगाना भेजना है जैसे म्यूज़िक की टीचर ने जाना है, तो फिर वो अपनी परवाह नहीं करते, छोटे बच्चे हैं उनको भी छोड़ के, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, पर बच्चों के लिए डिवोशन है। टीम नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट एंड हार्ड वर्किंग डिवोटी। नहीं नहीं, हमारी कोशिश रहती है हम एनरोलमेंट बढ़ाएं, मतलब बच्चे बढ़ें। अच्छा है, देखो इतने 1st to 8th तक तो फ्री ही नहीं है, बुक्स भी आ चुकी, बुक्स दे रहे हैं, यूनिफॉर्म है, सब कुछ फ्री है,
तो हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम बच्चे पढ़ें और मैक्सिमम बस यही देखना होता है हमने तो कि इंग्लिश मीडियम दे कैन अंडरस्टैंड और नॉट, दे कैन एक्सप्रेस इन इंग्लिश और नॉट, यही क्राइटेरिया मेन है।